नाम है उसामा. मैं फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ एज इन अ ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर जॉनसन एंड जॉनसन. तो अभी एक साल हुआ है उस जॉब में. एज़ फार एज़ माई बैकग्राउंड, आई डिड माई अंडर ग्रेड इन इंजीनियरिंग फ्राम गुलाम सा खान पाकिस्तान से. फिर मैंने अपना मास्टर्स किया, लेकिन वो फिर UK जाके किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल. और फिर अबाउट एक साल मुझे लगा जॉब ढूंढने में, क्योंकि UK की मार्केट कंपेटिटिव थी, पोस्ट कोविड टाइम भी था. तो एक साल तकरीबन जस्ट अंडर अ ईयर लग गया था, एंड देन आई गॉट दिस जॉब. ओके, माय प्रोग्राम वाज मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिग डेटा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल. एंड मैंने चूज़ इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की थी और मेरा शुरू से था कि मास्टर्स मैंने करना है. और ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैंने कोई टेक्निकल जॉब नहीं करनी. आई वॉन्टेड टू गो टूवर्ड्स मैनेजमेंट एंड द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स. तो फिर लास्ट ईयर में जाके मैंने थोड़ी रिसर्च करना शुरू की ऑन करियर पाथ्स एज टू मेरे लिए कौन सा बेहतर रहेगा. तो उसमें जाने के लिए मास्टर्स जो बेस्ट कोर्स था, या तो MBA था या फिर बिजनेस एनालिटिक्स था, जो वेल इन डिमांड डिग्रीज भी थी और जिनके लिए ऑप्शन भी आगे जाके काफ़ी होते हैं. अब MBA के लिए मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था नहीं, तो MBA वॉज नॉट रियली एन ऑप्शन. सो दैट्स वाई आई वेंट फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, बिकॉज उसका एक बिजनेस एस्पेक्ट भी है और फिर एक एनालिटिक्स साइड भी है जो थोड़ा आ जाता है आपका डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के साथ. और अगर आपने फॉर एग्जांपल ज़्यादा टेक्निकल साइड पे जाना है तो आप वो इलेक्टिव्स उठा सकते हो, जिस तरह डेटा साइंस हो गया, वर्किंग विद एक्सेल, टैबलू, पावर BI, तो वो एक ऑप्शनल इलेक्टिव्स भी होते हैं इफ़ यू वांट टू गो अ मोर टेक्निकल रूट. लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स का फ़ायदा ये था कि आगे जाके बस ऑप्शन बहुत होते हैं. आप एनालिटिक्स साइड पर भी जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट एंड बिजनेस वाली साइड पर भी जा सकते हैं. और ड्यूरिंग द प्रोग्राम मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स द फाइनेंशियल सेक्टर. So that's why I went for a program which is more like a financial analyst, जो मैं अभी job कर रहा हूँ. I would say this program, business analytics, is for someone who wants to keep the options open but stay towards the business and management side, which was my case. I wasn't sure as to which side I wanted to go, whether it was operations and supply chain, finance, whether it was business analytics, but I wanted to keep my options open. So I think for someone like that in a similar scenario, that would be the best option as to if they want to keep the options open. Firstly, agar main start karun to as far as the job market UK mein thodi similar hai. It takes a lot of hard work, you need experience as well. Main kafi logon ko janta hu jo London School of Economics se padhe hain, unko bhi ek saal ka time lag gaya tha job dhoondne mein. To us hisab se job market is competitive. लेकिन अगर मैं कहूँ कि वेयर आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम वर्किंग एट जॉनसन एंड जॉनसन, देयर ऑफिस इज जस्ट आउटसाइड ऑफ लंदन. और अब UK में सैलरीज थोड़ी फ़र्क है. अब अगर आप लंदन सैलरी की बात करें तो लंदन में एवरेज सैलरी फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज़ अराउंड £33,000 राइट नाउ. लेकिन अगर आप सेक्टर वाइज देखें, इंडस्ट्री वाइज, तो फाइनेंस ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हैं उनकी एवरेज सैलरी अराउंड 35,000 to 36,000 है एट दिस टाइम. तो मेरा थोड़ा सीन इस तरह था कि आई एम अ ब्रिटिश नेशनल एंड अ सिटीजन, आई डू हैव अ ब्रिटिश पासपोर्ट, लेकिन टू क्वालिफाई एज अ लोकल स्टूडेंट, ताकि आप पे लोकल फीस अप्लाई हो, यू हैव टू बी लिविंग देयर फॉर 3 years बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, जो रिक्वायरमेंट मैंने कम्प्लीट नहीं की थी. तो मैंने तकरीबन 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लीड्स एंड एक्सेटर. तो अब मैंने अप्लाई तो किया था टू चांस लगाने के लिए, इफ़ आई कैन क्वालिफाई एज अ लोकल स्टूडेंट. तो लिवरपूल में वो चांस लग गया था और उधर मेरी फीस थी £11,000 पर ईयर. एंड वो UK में आप जाते हो तो एक साल का ही मास्टर होता है एक्सेप्ट फॉर एन MBA. और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो तो एट दैट टाइम इन 2020-21 द फीस वॉज £21,000, जो अभी मेरे ख्याल से £23,000-23,500 होगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. Yeah, so London is quite a bit expensive than other cities in the UK, for example Manchester or Leeds. So if you talk about London,
then on average a one bed studio would cost you around, I would say, 1300 to 1600 pounds, depending on which side of London or which area in London you're living in. But that would be 1300 to 1600 pounds per month, and that's excluding bills. So with bills, it'd be around, I would say, 1600 to 1800. Yeah, so the general rule you should keep in your mind is the further north in the UK you go, the more cheap it's going to get. So Manchester, Liverpool and Leeds have similar price of living and cost of living. And over there, if I try to remember, my accommodation was around, I think, £110 per week. That was my university accommodation, but it was privately owned. It was not owned by the university. So that was £110 per week, including all bills. Yeah, so application ke do ya teen major components hain. Ek to aapko IELTS hona chahiye. IELTS acha ho, kyunki wo English proficiency usse aapki check hoti hai. Mere case mein, kyunki I was a British national, maine IELTS nahi diya tha. And sorry, my education English medium schools mein thi, so I got an exemption for that. Baki aake aaj tha aapka personal statement. Personal statement is very important. Matlab 30 to 40% of the decision is based on your personal statement. Ab hai university guidelines deti hai as to how your personal statement should look like. Mere case mein isna tha ke they want to know why this program, why the UK, what attracts you towards this program, what are your plans during the program, and what are your plans after the program. So ek aapki kafi achhi kahani likhni padti hai uske liye. To jitni behtar aapki kahani hogi utni zyada aapke chances honge. Jahan tak GPA ki baat aa jati hai, GPA ki requirement thodi fark hai, kyunki UK jo system hai, grading system hai, wo aata hai aapka first class degree, upper second, lower second class degree and third class degree. Ab mera GPA tha around 2.45, lekin kyunki maine Ghulam Sa Khan se kiya tha, to that converts to around 70-71%. Ab wo aa jata hai aapka upper second class grading system hai jab aap UK se compare karte hain. So that would be the minimum requirement as to any sort of master's program in a good UK university. So you should aim for about a 2.6 or 2.7. That would be the minimum to get into a good UK university. UK, you don't need a GRE or a GMAT unless it's a specific university and it has a specific requirement. Other than that, you only need your IELTS, your GPA, and your personal statement. So currently, from what I know, after you finish your master's program, you get a 2-year post-study visa, which is around £2,000 to £2,500 it costs. But then you have those 2 years to find a job, to find a company that will sponsor your visa in the future as well. So you have that 2-year window after your program. In my case, like I said, I have a British passport, so I didn't have that sort of restriction or timeline, but it still took 1 year, around just less than 1 year, to find a job. So because I think the main factor in that was I did not have any prior experience. Now it doesn't matter if you have corporate experience or not, they just need some kind of experience and that you can show that you learn some sort of transferable skills. So no matter what kind of experience you have, any sort of experience is valid. Yeah, so I think one thing I underestimated was the timing of the graduate programs and when those applications open. In the UK, a lot of the graduate programs for the big companies, they open the applications around 8 to 9 months before the start date of the program. So I think if you come to the UK, you start your master's program, just get started. September, October, that is when you should be focused and researching on what type of job you want to do and which company you want to apply for. And then in November and December, those applications open, and then you should start applying. Get your practice in for interviews and also your practice for assessment centers,
and then moving forward, then you have a better chance to secure a job right as you graduate.